जब पकड़े जाने के डर से बिरयानी छोड़कर भागा था दाऊद इब्राहिम, कहां छिपा है देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद? एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम दहशत का दूसरा नाम हुआ करता था। दाऊद की डी कंपनी भारत के बाहर भी अपना गैर कानूनी एम्पायर तैयार कर रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दाऊद जान बचाने के लिए बिरयानी छोड़कर भागा था। दाऊद का काला कारोबार मुंबई और उसके बाहर धड़ल्ले से चल रहा था। उसके गुर्गे नशीले पदार्थों के साथ सोने की तस्करी में शामिल थे। दाऊद के संपर्क उन बड़े तस्करों से भी थे जो समुद्री इलाकों और बॉर्डर एरिया में तस्करी को अंजाम देते थे। इन्हीं में से दाऊद का एक सहयोगी था लल्लू जोगी, जो दमन दीव का मशहूर तस्कर था। दाऊद अक्सर अपने तस्करी के माल को सहयोगियों के घर या फॉर्म हाउस पर डिलीवर कराता था। दाऊद को अंदाजा था कि उस पर पुलिस की नजर है, लेकिन एक बार दाऊद चारों तरफ से घिरा तो बिरयानी छोड़कर भागा था। इस किस्से को DRI के पूर्व डायरेक्टर जनरल BV कुमार ने अपनी किताब DRI एंड डॉन्स में लिखा है, जब बिरयानी छोड़कर भागा था दाऊद इब्राहिम। बीवी कुमार के मुताबिक एक बार उन्हें सूचना मिली कि दाऊद इब्राहिम का सामान कुख्यात तस्कर लल्लू जोगी के गुजरात फॉर्म हाउस पर उतरने वाला है। उन्होंने टीम के साथ लल्लू जोगी के फॉर्म हाउस पर अचानक छापेमारी कर दी। बकौल बीवी कुमार, इस दौरान दाऊद इब्राहिम भी उसी फॉर्म हाउस पर मौजूद था। दाऊद इब्राहिम अपने साथियों के साथ बिरयानी खा रहा था, लेकिन रेड पड़ते ही वो जान बचाकर भाग निकला। तब दाऊद बिरयानी के साथ अपना सामान भी छोड़कर भागा था। बीवी कुमार का दावा है कि दाऊद भी सामान्य अपराधी रहा है, लेकिन दूसरों से अलग दाऊद अपनी काली कमाई को बढ़ाने के लिए वकील और फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेता था। उसका मकसद बस पैसा कमाना था और इसी लालच में वो आतंकी बन गया। आज वो अरबपति है और काले कारोबार के बड़े एम्पायर को कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल आता है कि दाऊद अब तक जिंदा कैसे बचा है? भारत के जर्नलिस्ट बलजीत परमार ने दाऊद को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। परमार बताते हैं कि दुबई में दिल्ली दरबार होटल के एक कमरे में मुलाकात के दौरान दाऊद ने उनसे कहा था कि मेरी मां ने मुझे कसम दी थी कि दाऊद तीन काम जिंदगी में कभी न करना, एक तो ड्रग्स के धंधे में नहीं जाना, एक शराब नहीं पीना और एक कोठे पर मत जाना। अगर मैं कोठे में जाऊंगा तो कहीं रात को बिना कपड़ों के भाग नहीं सकूंगा, मर जाऊंगा। दारू पीऊंगा तो पता नहीं कौन क्या मिला के पिला देगा, और ड्रग्स तो आपको मालूम है खुद ही मरने यानी सुसाइड करने का तरीका है। लेकिन इन्हीं कसमों के विपरीत दाऊद ने हर वो काम किया जो गैर कानूनी था। ड्रग्स का धंधा भी किया, हथियारों की तस्करी भी की। हालांकि परमार के मुताबिक दाऊद यही मानता रहा है कि वो इन्हीं तीन कसमों की वजह से कई खतरों से बचा हुआ है। दाऊद के असली ठिकाने का भी कुछ नहीं पता, लेकिन एजेंसियां दाऊद की तलाश में जुटी हैं और उनका मानना है एक दिन दाऊद अपने काले कर्मों की सजा जरूर भुगतेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।